देखिए, संतों का हम सम्मान करते हैं और संतों का सानिध्य, उनका आशीर्वाद इस आस्था के साथ, इस मुहिम के साथ सदैव रहा है। विपत्ति में व्यक्ति को धैर्य नहीं खोना चाहिए, बल्कि पूरे स्थिर मन से आने वाले किसी भी चुनौती का सामना करना चाहिए। मुझे लगता है कि यह समय एक ऐसा संक्रमण काल का दौर है जब संतों को पूरे धैर्य के साथ इस समस्या के समाधान के सामने होने वाले उन सब सार्थक प्रयासों में सहभागी बनना चाहिए जिससे इस देश में शांति और सौहार्द की भी स्थापना हो और भारत की हर संवैधानिक संस्था के प्रति भी सम्मान का भाव और सुदृढ़ हो। आपको लगता है लोकसभा चुनाव से पहले समाधान हो जाएगा, क्योंकि उस शब्द का आपने इस्तेमाल किया? मैं तो चाहता हूं कि यथाशीघ्र इस समस्या का समाधान हो जाए, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि अयोध्या उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का दायित्व हमारे ऊपर है और हम लोग इस दायित्व को बखूबी निभाएंगे। कानून अच्छा रास्ता होगा सर? एक आखिरी सवाल। देखिए, जो भी शांति और सौहार्द के रास्ते जो भी हो सकते हैं, उत्तम रास्ते हो सकते हैं, और मुझे लगता है सर्वानुमति से हो तो सबसे उत्तम मार्ग ये है। उसके बाद भी और भी ऑप्शन हैं। मुझे लगता है कि इन सब में जो भी उत्तम होगा वो कदम उठाना चाहिए।